हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सबअर्बन रेलवे का स्पेस है वह दिनों दिन सिकुड़ता जा रहा है। इसकी जगह जो है वह मेट्रो रेलवे और रैपिड रेल लेने वाली हैं। तो आज हम इन्हीं के बीच का डिफरेंस जानेंगे, आखिर ये सबअर्बन रेलवे और मेट्रो रेलवे में क्या डिफरेंस है। कई जगह हम सबअर्बन रेलवे को लोकल ट्रेन के नाम जानते हैं, जैसे कि मुंबई में इसको हम लोकल ट्रेन बोलते हैं। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आए दोस्तों, हम जानते हैं वन बाय वन करके कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो पहला मेजर डिफरेंस है वह डिस्टेंस को लेकर के है। जो सबअर्बन रेलवे होता है उनका जो रूट होता है उसका डिस्टेंस 50 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, वह 100 किलोमीटर। कहीं कहीं अगर हम बिहार में पटना से बक्सर सबअर्बन रेलवे की बात करें तो उसकी लंबाई 206 किलोमीटर है, जो कि इंडिया में किसी भी सबअर्बन रेलवे के रूट लेंथ में सबसे ज़्यादा है। इस प्रकार हम अगर कोलकाता और खड़गपुर सबअर्बन रेलवे की बात करें, उसकी लंबाई 117 किलोमीटर है। साथ ही साथ अगर वर्धमान की बात करें तो उसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से जो सबअर्बन रेलवे का एक रूट लेंथ होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मेट्रो रेलवे, जिसका जो लेंथ होता है ट्रैक का वह लगभग 50 किलोमीटर होता है। कहीं कहीं पर यह ज़्यादा भी निकल जाता है, जैसे दिल्ली मेट्रो का जो रूट लाइन है, जैसे हम नोएडा सिटी सेंटर से द्वारका की बात करें तो 50 से ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन है, बट जनरली 50 किलोमीटर तक होता है। जो मेट्रो सिस्टम है यह एक सिटी के अंदर ऑपरेट करता है, वहीं सबअर्बन रेलवे एक सिटी को दूसरी सिटी से भी जोड़ सकता है, बाकी सिटी के एडजॉइनिंग एरिया को भी जोड़ सकता है। इस प्रकार से सबअर्बन रेलवे और मेट्रो रेलवे में ये डिस्टेंस का डिफरेंस होता है। हम दूसरी बात करें तो जो उनके ट्रैक की चौड़ाई होती है वह तीन टाइप्स की होती है, जैसे कि ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, नैरो गेज। आजकल तो नैरो गेज यूज होता नहीं है। और जो सबअर्बन रेलवे का ट्रैक का चौड़ाई होता है वह ब्रॉड गेज होता है, और मेट्रो रेलवे इसको हम ब्रॉड गेज साथ ही साथ स्टैंडर्ड गेज दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ब्रॉड गेज की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1.676 मीटर होता है, वहीं स्टैंडर्ड गेज में इसकी जो चौड़ाई है वह 1.435 मीटर होता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। अब तीसरा आता है, अगर हम सिग्नलिंग और ब्लॉक सिस्टम की बात करें तो जो सबअर्बन रेलवे हैं यह ऑटोमेटिक या फिर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम पे बेस्ड होते हैं, और जो हमारा रेलवे सिस्टम है यह मूविंग ब्लॉक सिस्टम या फिर ऑटोमेटिक सिस्टम। मूविंग ब्लॉक सिस्टम को हम CBTC बोलते हैं। अगर हम चौथी बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल की, ये आखिर किसके कंट्रोल में होती है? सारी सबअर्बन रेलवे जो हैं वह इंडियन रेलवे का पार्ट हैं, मतलब जितनी भी सबअर्बन रेलवे हैं वो सब इंडियन रेलवे का ही पार्ट हैं। और अगर हम मेट्रो की बात करें तो मतलब लगभग सारी मेट्रो कॉरपोरेशन हैं, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर बने हैं। कुछ मेट्रो प्राइवेट भी हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन जो सबअर्बन रेलवे है यह कंप्लीट इंडियन रेलवे का पार्ट है। जो मेट्रो रेल है, मतलब मेट्रो में कोलकाता मेट्रो को छोड़ के जो कि इंडियन रेलवे का पार्ट है, बाकी सारी मेट्रो एक कॉरपोरेशन है। अगर हम पांचवी बात करें, जो इनके कोचेस के लेंथ होते हैं वह सबअर्बन रेलवे के 16 से 20 कोच होता है एक ट्रेन में, वहीं अगर मेट्रो की बात करें तो मेट्रो में कहीं पे 3 कोच होते हैं, कहीं पे 4 भी है, कहीं पे 6 है, कहीं पे 8 है। तो इस प्रकार से इनके कोच होते हैं, अभी तक 8 से ज़्यादा कोच नहीं देखा गया। अगर हम ट्रैक की बात करें तो सबअर्बन जो रेलवे है उसका ट्रैक एक्सेसिबल होता है, मतलब कोई भी बीच में उसके ट्रैक को क्रॉस कर लेता है। बट क्योंकि सबअर्बन के जो ट्रैक होते हैं वह ग्राउंड लेवल पे होते हैं, जैसे कि हम लोग इंडियन रेलवे के ट्रैक को क्रॉस करते हैं, सेम पटरी पे सबअर्बन रेलवे चलती है तो इसको भी क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम मेट्रो रेल की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि 3 टाइप्स के ट्रैक बिछे होते हैं। एक होता है एलिवेटेड, जो कि ग्राउंड से ऊपर होते हैं, दूसरा ग्राउंड लेवल पर होता है, तीसरा अंडरग्राउंड होता है, जो कि पैसेंजर मेट्रो रेल के ट्रैक को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि यह ट्रैक पैसेंजर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है, इस पर कई सारी बाधाएं होती हैं। उसके बाद अगर हम सातवें डिफरेंस की बात करें तो वह है OHE का, जो हमारा ओवरहेड केबल होता है, जिससे कि ट्रेनें या फिर मेट्रो रेल अपना सप्लाई लेती हैं, पावर सप्लाई लेती हैं। तो उनमें डिफरेंस क्या होता है कि सबअर्बन रेलवे OHE पे चलती है, जबकि जो मेट्रो है वह OHE के साथ साथ
थर्ड रेल एनर्जी भी ले सकती है, मतलब जो दो ट्रैक के बीच में ही ओएचई लगा दी जाती है, मतलब पावर सप्लाई के लिए एक अलग सा सिस्टम लगा होता है जिससे कि मेट्रो रेल ऊपर से लेने के बजाय ट्रैक के साथ ही उस सप्लाई को ले सकती हैं। आठवां डिफरेंस क्या है कि जो हमारे मेट्रो स्टेशंस होते हैं उनमें एसी होता है, एस्केलेटर्स होते हैं, लिफ्ट्स होते हैं, इन सब आधुनिक चीज़ों से लैस होते हैं। वहीं सबर्बन रेलवे में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी स्टेशन ग्राउंड लेवल पे होते हैं जो कि नेचुरल एयर से ही चलाए जाते हैं। अगर हम अगला डिफरेंस बात करें तो जो ट्रेनें होती हैं मेट्रो की, सारी एयर कंडीशन होती हैं, तो सभी ट्रेनों में एसी होती है, बट सबर्बन रेलवे में ऐसा नहीं देखा जाता, वहाँ एसी नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा सबर्बन रेलवे है वह मेट्रो रेलवे से डिफरेंस है। अब क्योंकि हम इस डिफरेंस की बात इसलिए कर रहे हैं कि रिसेंटली ही सेंट्रल गवर्नमेंट और कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई है, उसको हम बोलते हैं के राय, जिसको बेंगलोर सबर्बन रेलवे का विकास करने का जिम्मा दिया गया है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को सबर्बन रेलवे और मेट्रो रेलवे में डिफरेंस समझ में आ गया हो। इस सीरीज़ में हम आपको अगले वीडियो में भी बताएंगे कि सबर्बन रेलवे का इतिहास क्या रहा है, कौन कौन सिटी में सबर्बन रेलवे हैं, कौन कौन सा रूट है, और इसको किस प्रकार से सेंट्रल रेलवे एक कॉरपोरेशन में बदलने जा रही है। तो आगे की वीडियो को देखना ना भूलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।